हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल बीइंग। सो वेलकम बैक इन आवर चैनल। माय सेल्फ अभिषेक कुमार एंड वी आर ऑल द मेंटर। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट ऑफ द 11th एनसीईआरटी टेट, इज द प्लांट फिजियोलॉजी। सो इन दिस पर्टिकुलर यूनिट वी डिटेल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर व्हिच कंटेन इन दिस यूनिट। सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल, सो आई प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द बॉक्स ऑफ सेक्शन ऑफ माय चैनल। सो प्लीज गो थ्रू द अबाउट सेक्शन ऑफ माय चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। So I hope you all appreciated me. So watch the video and keep support. कि प्लांट का वाटर से क्या रिलेशनशिप होता है, सारी की सारी चीजें इन डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट वी रीड फॉर इट इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आफ्टर दैट वी रीड ईच एंड एवरीथिंग सिंपल एंड इजी वर्ड। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो नाउ टॉपिक इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, देखते हैं क्या है। वाटर क्या होता है? वाटर तो इसेंशियल होता है यार, वाटर सभी के लिए जरूरी होता है। सभी एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए वाटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना लाइफ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वही हमको बताया गया है। क्या है? वाटर इज इसेंशियल। वाटर क्या होता है? वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट एंड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है कि वाटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसेंशियल मतलब जरूरी होता है सारी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कराने के लिए। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कैसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं, है ना। प्लांट के अंदर भी एक्टिविटी होती है, वो भी इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं। वाटर इसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट एंड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका वेरी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण रोल होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, आगे क्या है? इट प्रोवाइड द मीडियम इन विच मोस्ट सबस्टेंट आर डिजॉल्व। ये वाटर क्या है? एक मीडियम प्रोवाइड कराता है। वाटर मीडियम प्रोवाइड कराता है जिसमें क्या ज़्यादातर मोस्ट सबस्टेंट जो होते हैं डिजॉल्व होते हैं। यानी वाटर स्टेज में सबस्टेंट जो होंगे वो डिजॉल्व होंगे। वाटर में क्या होंगे? डिजॉल्व होंगे, घुले हुए होंगे, है ना। इसमें क्या हुए होंगे? घुले हुए होंगे, है ना, घुले हुए होंगे। मोस्ट ऑफ सबस्टेंट वाटर में घुले हुए होते हैं। ठीक है, आगे क्या है? द प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नथिंग। प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल आर डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रोटोप्लाज्म सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है वो कुछ नहीं होता है, उसमें क्या होता है? वो क्या होता है? वाटर होता है। प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल कुछ नहीं है, वो क्या है? वाटर है। उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं, है ना। और क्या होते हैं? सेवरल पार्टिकल सस्पेंडेड, और उसमें कुछ पार्टिकल घुले हुए होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल उसमें डिजॉल्व होते हैं। प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल का क्या होता है? वो वाटर होता है। प्रोटोप्लाज्म सेल जो होगा वो क्या होगा? वाटर होगा, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ए वाटर मिलन, इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, वाटर मतलब इसमें वाटर मिलन, यानी इसमें क्या होगा? पानी तो होगा, दबा के होगा, अच्छा खासा परसेंटेज में होगा। तो ये वाटर मिलन हैज ओवर 92% वाटर। यानी एक जो वाटर मिलन होता है, वाटर मिलन का होता है, तरबूज होता है, क्या बोलते हैं इसको, तरबूज, तरबूज में जो वाटर होता है कितने परसेंटेज होता है? 92% वाटर होता है उसमें। ठीक है, मोस्ट हर्बेसियस प्लांट हैव ओनली अबाउट 10-15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है? हर्बेसियस प्लांट में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द हर्बेसियस प्लांट, हर्बेसियस का मतलब होता है साकी पौधे, है ना। कैसे पौधे? साकी पौधे, जिसको साग सब्जी बोलते हैं, भाजी, साग भाजी, वो वाले पौधे जो होते हैं उनमें क्या होता है? उनका जो ड्राई वेट होता है सिर्फ कितना होता है? 10-50% होता है, बाकी क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, 10-15% उनका ड्राई वेट होगा, बाकी क्या होगा? सारा का सारा फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। यानी उसका जो फ्रेश वेट होगा उनके ड्राई मैटर में कितना होगा? 10-15% होगा, 10-15% होगा उनका फ्रेश वेट, फ्रेश वेट होगा एज ड्राई मैटर की तरीके उनका फ्रेश वेट होगा, 10-15% होगा, बाकी का बाकी क्या होगा? वाटर होगा। 10-15% के बाद क्या होगा? सारा का सारा जो होगा वाटर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अफकोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है? अफकोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विदिन ए प्लांट वेरीज। वूडी पार्ट है रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर, वाइल सॉफ्ट पार्ट मोस्टली कंटेन, मोस्टली कंटेन वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो भी प्लांट टू प्लांट, पार्ट टू पार्ट वेरी करता है। कि जो प्लांट का वूडी पार्ट होगा,
है ना, कौन सा वुडी पार्ट होगा, लकड़ी वाला पार्ट होगा जिसकी जो लकड़ी होगी कठोर होगी, है ना, तो उसमें क्या होगा पानी कम होगा थोड़ा, है ना, पानी थोड़ा कम होगा। और जो प्लांट का पार्ट जो सॉफ्ट है उसमें क्या होगा वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होगा, है ना, वाटर उसमें ज़्यादा होगा, सॉफ्ट प्लांट में, सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट में क्या होगा वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, ये बात याद रखेंगे, वुडी में कम होता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया हमको, ए सीड, जो सीड होता है वो हमको एपियर दिखता है ड्राई, कैसा दिखता है सूखा हुआ दिखता है, सीड जो होता है हमें कैसा दिखेगा सूखा हुआ दिखेगा, सीड में एपियर ड्राई बट स्टिल है वाटर, बट उसमें क्या होता है उसमें भी वाटर होता है, क्या होता है वाटर होता है, अगर वाटर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव एंड रिस्पायरिंग, अगर उसमें वाटर नहीं होगा तो सीड क्या रिस्पायर नहीं कर पाएगा और अपने आप को बचा नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, क्या होगा अगर उसमें वाटर नहीं होगा तो वो रिस्पायरेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसमें भी, है ना, वो हम ड्राई होता है बट दिखता हमको ड्राई है, उसमें उसमें भी वाटर होता है, विदाउट वाटर कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब आगे क्या बताया गया, टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं यानी जो जमीन पे होते हैं प्लांट, क्या होते हैं जमीन पे प्लांट को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। क्या है उसमें क्या बोला गया, टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो वाटर को ह्यूज अमाउंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्या बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर टेक करते हैं, लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, जो हमारी रूट होती हैं प्लांट की वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और सारे प्लांट के पार्ट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। ठीक है, हमको पता है, यही बताया गया, टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट टू एयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स, है ना, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, और बस उसमें जो वाटर होता है ज़्यादातर वो कैसे लॉस्ट हो जाता है, एयर के थ्रू लॉस्ट हो जाता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो होता है तो एयर के थ्रू लॉस्ट हो जाता है लीव से, है ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी जो मोस्ट ऑफ द वाटर होगा वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस हो जाएगा, बट टेरेस्ट्रियल प्लांट वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में टेकअप करते हैं, लेते हैं। ठीक है, बट ज़्यादा से ज़्यादा उनका वाटर जो लॉस होता है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। ठीक है, जिसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे क्या है, ए मेच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे, है ना, जो एक मेच्योर कॉर्न प्लांट होता है, मेच्योर मतलब वयस्क, कॉर्न का मतलब हुआ मक्के का पौधा, है ना, मक्का का पेड़ जो होता है, मक्के का पेड़ होता है वो कितने लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है, 3 लीटर, है ना, कितने 3 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब करता है इन अ डे, एक डे में 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है मेच्योर कॉर्न प्लांट, कितने 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है मेच्योर कॉर्न प्लांट, कौन सा कॉर्न प्लांट 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है एक दिन में। ठीक है, व्हाइल ए मस्टर्ड प्लांट, जबकि मस्टर्ड का पौधा जो होता है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ऑन वेट इन अबाउट 5 आवर, यानी मस्टर्ड प्लांट जो होगा वो अपने वजन के बराबर, क्या मस्टर्ड प्लांट जो होगा वो अपने वजन के बराबर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा कितने घंटों में, 5 घंटों में, 5 घंटों में मस्टर्ड प्लांट जो होगा वो अपने वजन के बराबर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट क्या करेगा, मस्टर्ड प्लांट जो होगा वो ऑन वेट के बराबर, अपने वेट के बराबर वाटर एब्जॉर्ब करेगा कितने, 5 घंटे में, याद रखेंगे। तब इट इज नॉट सरप्राइजिंग डेट वाटर इज ऑप्टन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर नेचुरल एनवायरनमेंट, तो क्योंकि वाटर की जो डिमांड है वो बहुत हाई है ना, कि वाटर की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा पड़ती है प्लांट को, हर चीज़ों को, हम लोग को भी वाटर की आवश्यकता बहुत पड़ती है, तो यही हमको बताया गया है वाटर की हाई डिमांड की बेसिस पे, है ना, क्योंकि वाटर का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, ये सरप्राइजिंग नहीं है, है ना, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है कि वाटर जो होता है एक लिमिटिंग फैक्टर के तरीके काम करता है, किस में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे, प्लांट ग्रोथ पे, और किस पे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी किसकी किस पे बेसिस पे होगी, एग्रीकल्चर पे होगी, और किस पे होगी नेचुरल एनवायरनमेंट में जो प्रोडक्टिविटी होगी उसमें वाटर एज ए लिमिटिंग फैक्टर वर्क करेगा, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे क्या बताया गया हमको, आगे बताया गया वाटर पोटेंशियल, है ना, वाटर पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है वाटर पोटेंशियल।
वाटर पोटेंशियल, है ना। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या हुआ मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या हुआ मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर यानी H2O, ठीक है, यानी H2O का मूवमेंट कितना हो रहा है ना, वाटर का मूवमेंट कितना हो रहा है उसको हम बोलेंगे वाटर पोटेंशियल, है ना। टू कंप्रेंड वाटर रिलेशन, है ना, हम वाटर रिलेशनशिप को क्या समझ चुके हैं, है ना। तो वाटर रिलेशनशिप को समझने के लिए क्या हमको कुछ अंडरस्टैंड करना होगा, कुछ समझना होगा सर्टेन कौन से स्टैंडर्ड टर्म, है ना, कुछ स्टैंडर्ड टर्म को हमको समझना होगा। अब वो स्टैंडर्ड टर्म क्या हैं जो कि नेसेसरी हैं, वो कौन से स्टैंडर्ड टर्म हैं, वाटर पोटेंशियल, है ना, वाटर पोटेंशियल को किससे डोनेट करते हैं, वाटर पोटेंशियल को हम किससे डोनेट करते हैं, PsiW से, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज ए कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड वाटर मूवमेंट, है ना, जो PsiW होता है वाटर पोटेंशियल होता है, ये क्या करता है, ये फंडामेंटल है अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट, यानी वाटर पोटेंशियल से क्या होगा वाटर का मूवमेंट होगा, ये बात याद रखेंगे। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल को किससे हम डिनोट करते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल को PsiW से डिनोट करते हैं, PsiS से डिनोट करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल को। और प्रेशर पोटेंशियल को किससे डोनेट करते हैं, PsiP से डोनेट करते हैं। तो यानी वाटर पोटेंशियल को PsiW से, वाटर पोटेंशियल को PsiW से, और सॉल्यूट पोटेंशियल को PsiS से, और प्रेशर पोटेंशियल को PsiP से डोनेट करते हैं। ये जो होते हैं कौन कौन से, सॉल्यूट पोटेंशियल कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल होते हैं, ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं जो कि क्या वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं ना, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, है ना। वाटर पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू होता है सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और क्या होता है प्रेशर पोटेंशियल, और क्या होता है प्रेशर पोटेंशियल, दो चीज़ें होती हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करती हैं। वाटर पोटेंशियल इक्वल टू होता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। आगे देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, क्या होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, यानी उनमें गति करने की यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की एबिलिटी होगी, है ना, इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। इन लिक्विड एंड गैस, इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन डेट इज बोथ रैपिड और कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे यानी लिक्विड में जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे और गैस में जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उनमें क्या होगी, क्या होगी रैंडम फैशन में रैंडम मोशन करने की एबिलिटी होती है, रैंडम मोशन करेंगे वो लोग, है ना। रैंडम मोशन का मतलब होगा जो मॉलिक्यूल जिस डायरेक्शन में चाहेगा उस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, एक कंटेनर मान लो ये है, ठीक है, अब इसमें एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, इसका मूवमेंट इधर है, इसका मूवमेंट उधर है, एक तीसरा मॉलिक्यूल इसका मूवमेंट इधर है, तो मतलब किसी भी डायरेक्शन पे कोई भी मॉलिक्यूल मूवमेंट कर सकता है, इसको बोलते हैं रैंडम मोशन, है ना। ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये रैपिड हो सकता है और कॉन्स्टेंट हो सकता है, यानी वो तेज भी कर सकते हैं और ये कॉन्स्टेंट स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे होगा, लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड और गैस स्पेस में होंगे, वो एक रैंडम मोशन शो करते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में क्या है वाटर की कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा है, क्या है किसी सिस्टम में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्या है ग्रेटर है, ग्रेटर है ना, अगर कंसंट्रेशन की ज़्यादा है तो क्या होगा, द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, इसकी वाटर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई वाटर की सिस्टम में, किसी सिस्टम में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो वहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका क्या वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, PsiW होता है। वाटर पोटेंशियल का मतलब ही होगा कि उसका वाटर का मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो वहाँ वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे वाटर का मूवमेंट ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट भी अच्छा खासा होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। हेंस इट इज ऑब्वियस डेट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। तो ये है कि ये जाहिर सी बात है,
कि जो प्योर वाटर होता है जिसमें कोई सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होता है, तो उसका जो ग्रेट क्या होता है वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, क्या होता है, ग्रेटर होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये बात याद रखेंगे। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टेक्ट, अगर दो सिस्टम को कॉन्टेक्ट में रखा जाए, उनके वाटर को कॉन्टेक्ट में रखा जाए, तो उसमें क्या होगा, रेंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सिस्टम विथ हायर एनर्जी टू वन विथ लोअर एनर्जी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो सिस्टम हैं, मान लो एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, इस सिस्टम को बी बोला, इस सिस्टम को ए बोला, इनमें पानी भर दिया गया, इनमें पानी भर दिया गया, दोनों को कॉन्टेक्ट में रखा गया, यानी ये ट्यूब से जोड़ दिया गया, इसमें 10 लीटर पानी था, इसमें 5 लीटर पानी था। अब वाटर का मूवमेंट, यानी यहाँ पे ज़्यादा वाटर है तो इसमें बी वाले में जाएगा, और जब तक जाएगा जब तक दोनों का अमाउंट बराबर ना हो जाए, इसका मतलब यही है, ठीक है। जब तक मूवमेंट होगा, जब तक नेट मूवमेंट होगा, जब तक दोनों का सिस्टम बराबर ना हो जाए, ठीक है, दोनों में जो वाटर का अमाउंट बराबर ना हो जाए दोनों सिस्टम में, ठीक है, यही है। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर इन कॉन्टेक्ट रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मतलब वाटर का मूवमेंट किसी भी दिशा में होगा, मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम, जिसमें हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी वाले वाटर मतलब जिसमें ज़्यादा पानी है, और कम एनर्जी वाले मतलब जिसमें कम पानी है, वहाँ तक मूवमेंट होगा हाई टू लो। ये बात याद रखेंगे, प्रकृति का नियम है, सारी की सारी चीज़ें हाई टू लो कंसंट्रेशन में जाने की सोचती हैं, ठीक है। आगे क्या है, दस वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हाई वाटर पोटेंशियल टू वन विच लो वाटर पोटेंशियल, है ना। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा, जिस सिस्टम में हाई वाटर पोटेंशियल है, क्या है, हायर वाटर पोटेंशियल है, इसमें क्या है, हायर वाटर पोटेंशियल है, वहाँ से मूवमेंट होगी, कहाँ चीज़ें, लोअर वाटर पोटेंशियल, है ना, जिस सिस्टम में हाई वाटर पोटेंशियल है उससे चीज़ें मूव करेंगी लो वाटर पोटेंशियल वाले सिस्टम की तरफ, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी कॉल्ड डिफ्यूजन, और ये क्या होगा, डिफ्यूजन, क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन होगा, क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगी, ठीक है, फ्री एनर्जी कॉल्ड डिफ्यूजन। इसमें क्या है, आगे बताया गया, वाटर पोटेंशियल इज डोनेटेड बाई, वाटर पोटेंशियल को किससे डोनेटेड करते हैं हम लोग, ग्रीक सिंबल होता है ना, साई क्या है, ग्रीक सिंबल है, साई क्या है, ग्रीक सिंबल है, याद रखेंगे, साई क्या है, वाटर पोटेंशियल को डोनेट करते हैं हम साई से, ये क्या है, ग्रीक सिंबल है। एंड इज एक्सप्रेस इन प्रेशर यूनिट, है ना, और इसको हम किससे, किस यूनिट, इसकी जो वाटर पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, पास्कल होती है, ये पास्कल क्या है, प्रेशर की यूनिट है, यानी पास्कल, यानी वाटर पोटेंशियल को हम किससे डोनेट करते हैं, साई डब्ल्यू से डोनेट करते हैं, और ये क्या है, इसको एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर के टर्म में, इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, और साई डब्ल्यू जो होता है वो कैसा वर्ड है, ग्रीक सिंबल है, ठीक है, साई क्या है, ग्रीक सिंबल है, ठीक है। बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, है ना, अपनी सुविधा के लिए, कन्वेंशन अपनी सुविधा के लिए, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, रूम टेम्परेचर, क्या बोलेंगे, रूम टेम्परेचर, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स लेते हैं हम लोग रूम टेम्परेचर को, इसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्योर वाटर का स्टैंडर्ड वाटर पोटेंशियल स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे क्या होता है, विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर, उसमें कोई प्रेशर ना लगाया जाए, तो उसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कितना लेंगे हम, टेकन जीरो, कितना लेंगे, जीरो लेंगे, जीरो, ठीक है। यानी हम प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल, है ना, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कितना लेते हैं, जीरो लेते हैं, अगर उसमें कोई प्रेशर ना लगाया जाए तो, ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि उसमें प्रेशर ना अप्लाइड किया जाए तो उसको हम जीरो लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, ठीक है। आगे क्या है, इफ सम सोल्यूट इज डिजॉल्व इन वाटर, अगर उसमें कुछ सोल्यूट डिजॉल्व कर दिया जाएगा, सोल्यूट क्या होता है, मतलब चीनी का पार्टिकल हुआ तो वो सोल्यूट कंसिडर करेंगे, सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, है ना। अगर किसी क्या इसमें, अगर सम सोल्यूट इज डिजॉल्व इन वाटर, अगर कुछ सोल्यूट इसमें वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाएगा, प्योर वाटर में सोल्यूट डिजॉल्व कर दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वो सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि जो होता है सॉल्वेंट प्लेट सोल्यूट मिलके क्या बना लेते हैं, सॉल्वेंट सोल्यूट मिलके क्या बना लेते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं।
अब यही है, सॉल्वेंट हो गया वाटर और सॉल्यूट हो गया चीनी के मॉलिक्यूल मान लो, ठीक है। अब क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, है ना, सोल्यूशन बन गया। तो क्या हुआ, सोल्यूशन के पास क्या होगा, सोल्यूशन है फ्री, तो सोल्यूशन में क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे, है ना। सोल्यूशन है फ्यूअर फ्री मॉलिक्यूल, है ना, सोल्यूशन में क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो होगी डिक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से इसमें जो वाटर का मूवमेंट होगा वो मूवमेंट यानी वाटर पोटेंशियल उसका कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि पहले था प्योर वाटर में पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में क्या था, वाटर ही वाटर के मॉलिक्यूल थे, उसमें कोई सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं था, ठीक है। अब उसमें क्या, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ गए, तो वाटर की जो फ्री एनर्जी है मतलब मूवमेंट करने की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, है ना, वाटर फ्री मूवमेंट नहीं कर पाएगा, अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और वाटर की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी, वही हमको बताया गया है। वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, और उसका वाटर पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाएगा। आगे क्या है, हेंस ऑल सॉल्यूशन है जो लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, है ना, कि जितने भी सारे के सारे सॉल्यूशन होते हैं उनमें क्या होता है, वाटर पोटेंशियल जो होता है कम होता है देन प्योर वाटर, यानी प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये वाटर पोटेंशियल कम क्यों हुआ, सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम क्यों हुआ, तो उसको हमको बताया गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट, यानी ये जो वाटर पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कम हुआ ये क्यों कम हुआ, क्योंकि उसमें क्या हुआ, हम लोग डिजॉल्व कर दिए सोल्यूट के पार्टिकल को, है ना, सोल्यूट के पार्टिकल को डिजॉल्व कर दिए, इसीलिए उसका जो मैग्नीट्यूड था वो कम हो गया, वाटर पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड था वो कम हो गया, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल को किससे डोनेट करते हैं हम लोग, साई एस से, किससे डोनेट करते हैं, साई एस से, है ना। जो साई एस होता है वो ऑलवेज निगेटिव वैल्यू होती है, क्या होती है, हमेशा निगेटिव वैल्यू होती है, ये भी याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साई एस होता है वो निगेटिव वैल्यू होती है या पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो हम ये बोलेंगे जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है जिसको हम साई एस से डोनेट करते हैं वो हमेशा कैसी होती है, निगेटिव वैल्यू होती है, इसकी वजह से प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो था वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है, द मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल, अगर जितने भी सोल्यूट मॉलिक्यूल होंगे, है ना, अगर किसी प्योर वाटर में जितने सोल्यूट मॉलिक्यूल मिलाएंगे, जितने सोल्यूट मॉलिक्यूल मिलाएंगे तो उसमें क्या, निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है, है ना। तो इसमें ये बताया गया, द मोर सोल्यूट मॉलिक्यूल, जितने सोल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे तो क्या होगा, लोअर लोअर यानी निगेटिव वैल्यू, है ना, मोर निगेटिव वैल्यू। मान लो एक -20 है और -10 है, तो जो ज़्यादा निगेटिव वैल्यू है, इसमें -20 दिया है तो हम 20 से कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि 20 बड़ी होती है और 10 छोटा होता है, हम ये देखेंगे उसके आगे माइनस है या प्लस है, है ना। माइनस है तो मतलब वो उतनी ही कम वैल्यू है ना, माइनस की वैल्यू, अगर माइनस में 100 दिया है और माइनस में 10 दिया है तो हम बड़ा कौन है, माइनस का 10 बड़ा है, और जो छोटा कौन है, माइनस का 100, क्योंकि उसमें माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो वही हमको बताया गया है कि जो होता है, मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल, जितने सोल्यूट मॉलिक्यूल होंगे, ज़्यादा ज़्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल होगा तो उसका क्या होगा, वैल्यू मोर निगेटिव होगी, यानी मोर निगेटिव तो उसका क्या होगा, लोअर इट्स सोल्यूट पोटेंशियल, यानी जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी निगेटिव में उसकी सोल्यूट पोटेंशियल उतना ही कम होगा, ये बात याद रखेंगे, सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, है ना। फॉर ए सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, किसी भी सोल्यूशन के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, वाटर पोटेंशियल, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, वाटर पोटेंशियल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm, है ना, 1 atm, है ना, 1 atm क्या होता है, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा, वाटर पोटेंशियल, है ना, क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू होता है सोल्यूट पोटेंशियल के, वाटर पोटेंशियल होता है सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है, कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये बात याद रखेंगे। सोल्यूशन का, फॉर ए सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक सोल्यूशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल बराबर होता है, ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कब वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल बराबर होते हैं, तो हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, है ना, इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर इफ ए प्रेशर, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड कर देंगे
टू प्योर वाटर और सोल्यूशन, तो उसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, है ना, उसमें वाटर का मूवमेंट हो जाएगा। क्या है, इफ वाटर इफ प्रेशर इफ प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, क्या हुआ, अगर हम जो प्रेशर है वो ग्रेटर है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम अप्लाइड कर रहे हैं किस पे, प्योर वाटर और सॉल्यूशन पे, तो क्या होगा, उसका वाटर का पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये बात याद रखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सॉल्यूशन का क्या होता है, वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल बराबर होता है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, है ना, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड कर देंगे तो क्या होगा, वाटर या प्योर वाटर या सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये बात याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, ये क्या है, एक पंपिंग है ना, इक्विवेलेंट टू पंपिंग मतलब किसी चीज पानी को पंप करना एक स्थान से दूसरे स्थान में, उसी के बराबर है, वही उसका तरीका है ना, कि वाटर पोटेंशियल, मैंने वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है वाटर का मूवमेंट, है ना, कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में मूवमेंट होता है, तो वही यही बताया गया, ये इक्विवेलेंट है कि वाटर का पंप करना एक स्थान से दूसरे स्थान में, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्डअप, आप क्या सोच सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है, तो हम बोलेंगे हाँ, क्या है, हार्ट है अपना भाई, यही तो पूरा पंपिंग ऑर्गन है, क्या ये पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है चीज़ों को, पंपिंग ऑर्गन है ये, क्या है, पंपिंग ऑर्गन है ऑफ द बॉडी, क्या है, हार्ट हमारा है, इसमें प्रेशर बिल्डअप होता है, ठीक है। आगे क्या है, प्रेशर कैन बिल्ड अप इन ए प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर इंटर ए प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉज ए प्रेशर बिल्ड अप अगेन सेल वॉल इट मेक द सेल्टर गेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट में क्या होता है, प्रेशर प्लांट में भी क्या होता है, एक प्रेशर बिल्डअप होता है। कब प्रेशर बिल्डअप होता है, प्लांट के सिस्टम में भी प्रेशर बिल्डअप होता है जब वाटर प्लांट की सेल में इंटर करता है, डिफ्यूजन से वाटर प्लांट की सेल में इंटर करेगा तो उसकी जो सेल वॉल होगी, है ना, जो वाटर इंटर ए प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन के थ्रू जब वाटर प्लांट की सेल में इंटर करता है तो क्या करते हैं, कॉजिंग ए प्रेशर, जो एक प्रेशर होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है, प्लांट की सेल वाटर के अगेंस्ट प्रेशर लगाती है, प्लांट की सेल वाटर के अगेंस्ट प्रेशर लगाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगेंस्ट द सेल वॉल, उसकी सेल वॉल होगी, वाटर के अगेंस्ट प्रेशर लगाएगी, तो वो प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर होता है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और ये क्या, सेल को क्या करती है, टर्गेट बनाए रखती है, टर्गेट का मतलब होता है सेल को फूला बना, फूला के रखना, क्या करना, फुला कर रखना, यानी सेल जो होगी फुली हुई होगी, है ना, टर्गिट होगी। अब फ्लैसिड का मतलब होता है सेल प्लाज्मोलाइज हो जाती है, यानी चिपक जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब देखो यार, हमारे एनिमल बॉडी में क्या होता है, एनिमल में क्या हुआ, ब्लड प्रेशर, जो हार्ट के द्वारा लगेगा वो ब्लड का प्रेशर लगेगा, है ना, एनिमल में क्या हुआ, ब्लड प्रेशर, और क्या हुआ, प्लांट में क्या हुआ टर्गर प्रेशर, ये बात याद रखेंगे हम लोग, प्लांट में क्या हुआ टर्गर प्रेशर, ठीक है। क्योंकि जो एनिमल में ब्लड प्रेशर होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स में प्रेशर लगाता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। टर्गर प्रेशर में यही होता है, जो मॉलिक्यूल प्लांट सेल में वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, इंटर करेंगे थ्रू डिफ्यूजन के, तो इसके सेल वॉल के बीच में और उसके बीच में क्या, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक प्रेशर लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और ये सेल को टर्गेट बनाए रखने में, यानी फूला के रखने में हेल्प करती है, ठीक है। क्या दिया गया हमको, ये सेल को टर्गेट बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, इट मेक सेल टर्गेट। उसके बाद क्या, दिस इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल, ये क्या, प्रेशर पोटेंशियल को बढ़ा देती है, है ना, प्रेशर लगेगा तो उसका क्या, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखेंगे। जो सॉल्यूट पोटेंशियल था वो कैसा, निगेटिव वैल्यू थी, सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, निगेटिव थी, ये बात याद रखेंगे। बट प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, यूजली पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। थ्रू इन सेल, थ्रू इन प्लांट
थर्ड इन प्लांट ए निगेटिव पोटेंशियल, जो निगेटिव पोटेंशियल होता है और टेंशन होता है, या निगेटिव पोटेंशियल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, टेंशन होगा, निगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम, है ना। ये प्लांट में निगेटिव पोटेंशियल और टेंशन जो होती है वाटर कॉलम में, इन जाइलम, ये क्या होता है, जाइलम में जब निगेटिव टेंशन होगी, निगेटिव पोटेंशियल होगा, है ना, निगेटिव पोटेंशियल होगा या टेंशन होगी वाटर की, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव से चीज़ें निगेटिव की तरफ जाती हैं, क्या जाती है चीज़ें, पॉजिटिव से चीज़ें निगेटिव की तरफ जाती हैं। जब जाइलम में क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव वाटर पोटेंशियल का टेंशन होगा, तो उसमें ये मेजर रोल करता है वाटर ट्रांसपोर्ट में, है ना, अप टू ए स्टेम, क्योंकि जो रूट में होगा, रूट वाटर एब्जॉर्ब करके स्टेम में देगी, तो रूट में क्या हुआ, रूट में जो हुआ पॉजिटिव हुआ, रूट से चीज़ें क्या आ जाएंगी, वाटर एब्जॉर्ब करके, जाइलम में निगेटिव है तो वाटर, वो सक्शन प्रेशर जो होता है, जो हम स्ट्रॉ से कोई चीज़ पीते हैं तो हमें एक सक्शन प्रेशर लगता है, वो निगेटिव प्रेशर होता है, तो उसी तरीके का यहाँ पे भी होता है कि जाइलम एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है अपने में और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, रूट से चीज़ें उधर जाएंगी, जाइलम में जाएंगी, ठीक है, वाटर जाएगा, ठीक है। वही हमको बताया गया है कि जो होता है वाटर में निगेटिव पोटेंशियल टेंशन होता है, ये वाटर कॉलम में, जाइलम एक मेजर प्ले रोल करता है किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अप स्टेम, यानी स्टेम में वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में जाइलम हेल्प करता है, क्योंकि जाइलम जो था वाटर और मिनरल का कंडक्शन करा रहा था, ठीक है। आगे क्या है, प्रेशर पोटेंशियल इज डोनेटेड बाई, प्रेशर पोटेंशियल को हम लोग किससे डोनेट करते हैं, साइपी से डोनेट करते हैं, ये कैसा प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है, कैसा प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है। अब हमको यहाँ पे दिखाया गया है वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड बाई, वाटर पोटेंशियल जो होता है सेल का अफेक्ट होता है किससे किससे अफेक्ट होता है, बोथ सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल, है ना, सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल से वाटर पोटेंशियल जो होता है अफेक्ट होता है। अब उसके रिलेशनशिप के बारे में बताया गया हमको, क्या बताया गया है, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, क्या बताया गया है, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है ये कैसी वैल्यू होती है, निगेटिव वैल्यू होती है, प्रेशर पोटेंशियल कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कौन कौन से डिटरमाइन करते हैं उसको, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, ये दो चीज़ें हैं जो वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करती हैं, ये बात याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, इसी से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या हमको दिया गया है, ऑस्मोसिस, है ना, ऑस्मोसिस के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस, ठीक है, द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाई ए सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। हमको पता है कि प्लांट में क्या होता है, सेलवाल होती है, ये हमको पता है, प्लांट का फीचर सी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट और एनिमल को डिफ्रेंशिएट करता है, क्या कि प्लांट में सेलवाल होती है, एनिमल में सेलवाल नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें हमको बताया गया है प्लांट सेल जो होती है सराउंड होती है किससे, सेल मेम्ब्रेन से और किससे, सेलवाल से, जो सेलवाल होती है प्लांट में ही पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, द सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड सबस्टेंट इन ए सोल्यूशन हेंस इज नॉट ए बैरियर टू मूवमेंट, है ना, जो सेलवाल होती है वो क्या होती है, फ्रीली परमेबल होती है, सेलवाल से क्या होगा, सेलवाल जो होगी वो कैसी होगी, फ्रीली परमेबल होगी, उससे सारी की सारी चीज़ें अंदर आ जाएंगी, है ना, सेलवाल से सारी की सारी चीज़ें अंदर आ जाएंगी, बट जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है, बट जो सेलवाल होती है वो फ्रीली परमेबल होती है, सारे के सारे मॉलिक्यूल को अंदर भेज देगी, आ जाओ भाई आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ, बट वो किसी का सिलेक्शन नहीं करेगी, ठीक है, सारे के सारी चीज़ें अंदर आएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या बताया, ये कोई बैरियर कॉज नहीं करती है ना, मूवमेंट में कोई बैरियर कॉज नहीं करती, सारी की सारी चीज़ों को अलाउ करेगी। इन प्लांट द सेल यूजली कंटेन ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, है ना, प्लांट में क्या होता है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, क्या होता है, वैक्यूल होता है, लार्ज होता है मतलब बड़ा होता है और सेंटर में पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, सेंटर में पाया जाएगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, हुज कंटेंट्स वास्कुलर शेप, क्या होगा, इसमें वास्कुलर शेप होगा, है ना, इसका जो कंसनट्रेटेड होता है, ये क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है, कंसनट्रेटेड होता है। आगे देखेंगे,
ये जो वास्कुलर सेव होता है, वास्कुलर सेव होता है सॉरी वास्कुलर सेव होता है, ये क्या करता है, वास्कुलर सेव क्या करेगा, कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वास्कुलर सेव होता है ये कंट्रीब्यूट करता है किसमें, सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल में। ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यार, वास्कुलर सेव होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल में, ठीक है। इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होता है, इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, है ना। प्लांट सेल में वैक्यूल होता है ये हमको पता है, है ना। तो प्लांट सेल में क्या हुआ, इसकी जो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन हुई और जो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल है ना, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट, है ना। यानी सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, जो टोनोप्लास्ट होती है, ये दोनों मिलके टुगेदर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन और आउट ऑफ सेल, है ना। तो इसमें क्या हुआ, जो सेल मेम्ब्रेन होगी प्लांट में और जो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल की मेम्ब्रेन होगी जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये दोनों डिटरमाइंड करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल का, कि सेल में मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, मतलब दोनों डिटरमाइंड करेंगे, है ना, कि सेल में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, ये दोनों डिटरमाइंड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसके ना ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस इज टर्म यूज टू रिफर स्पेशली टू डिफ्यूज, स्पेशली टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए डिफरेंसली ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यानी ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, है ना, और ये इसमें वाटर के मॉलिक्यूल, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, यानी सॉल्वेंट इससे पास होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे कहाँ से जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ऑस्मोसिस इज टर्म यूज टू रिफर स्पेशली टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी इसमें जो होगा ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होगा, और इसमें क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, ये बात याद रखेंगे। ऑस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियस इन रिस्पॉन्स टू ड्राइविंग फोर्स, ऑस्मोसिस जो होती है ड्राइविंग फोर्स के रिस्पॉन्स में क्या है, स्पॉन्टेनियस होती है ना, स्वतः होती है, ठीक है। द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन बोथ, है ना, किसी के पे डिपेंड करती है, उसका डायरेक्शन होगी क्या, ऑस्मोसिस की क्या डायरेक्शन होगी और उसका रेट क्या होगा, क्या क्या, नेट डायरेक्शन, उसकी ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी और उसका रेट क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन बोथ, कौन कौन से फैक्टर हैं, प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट पे ऑस्मोसिस का नेट डायरेक्शन और उसका रेट डिपेंड करेगा, है ना, ये बात याद रखेंगे, क्या, प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये डिटरमाइन करते हैं ऑस्मोसिस के रेट को और उसकी डायरेक्शन को, ठीक है। आगे क्या है, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल, यानी हायर केमिकल पोटेंशियल को क्या बोला, कंसंट्रेशन बोला, एंड इट्स रीजन लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम रीच्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर वहाँ से मूवमेंट करेगा, वाटर का मूवमेंट उधर से होगा, उस रीजन से होगा जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी, किसकी, हाई केमिकल पोटेंशियल या कंसंट्रेशन किसकी, वाटर की। वाटर का मूवमेंट वहाँ से होगा जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, यानी हाई केमिकल पोटेंशियल होगा, और उस रीजन में मूव करेगा जहाँ पे उसकी लोअर कंसंट्रेशन होगी, क्या होगी, लोअर केमिकल पोटेंशियल होगा, यानी इसकी कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी, ठीक है। कब तक मूव करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक दोनों में समानता ना आ जाए, क्या आ जाए, समानता, जब तक दोनों का जो है केमिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, जब तक वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है, याद रखेंगे ये बात को। एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टू चैम्बर शुड हैव सेम वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों चैम्बर में सेम वाटर पोटेंशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
सेम वाटर पोटेंशियल हो जाएगा, इस वजह से उसका मूवमेंट जो होगा वो रुक जाएगा, ठीक है, वाटर का मूवमेंट होगा वो रुक जाएगा। अब हमने क्या है इसमें कुछ बताया गया, हमको क्या बताया गया है, यू मे हैव मेड ए पोटैटो ऑस्मोमीटर एट सम अर्लीस्ट स्टेज इन स्कूल, है ना, कि आपने पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाया होगा अपने अर्लियर स्टेज ऑफ स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं में, यानी कुछ उसमें आपने अर्लियर स्टेज में क्या पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाया होगा, है ना। तो उसमें क्या होता था, इफ द ट्यूबर इज प्लेस इन वाटर, जब हम ट्यूबर को वाटर में प्लेस करते थे तो क्या देखते थे, द कैविटी इन पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर की कैविटी में क्या होता था, पोटैटो ट्यूबर की कैविटी में एक कंटेनिंग ए कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ शुगर, है ना, उसमें क्या होता कंसंट्रेशन कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर कलेक्ट वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, है ना, उसमें क्या था पोटैटो की ट्यूबर कैविटी में क्या था कंसंट्रेशन ऑफ शुगर का सोल्यूशन कलेक्ट हो जाता था बाई ड्यू टू वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू उसका कलेक्ट हो जाता था। अब इसमें क्या है, स्टडी फिगर हमको दिखाया गया है 11.3, उसमें हम देखते हैं सारी की सारी चीज़ें, पहले टेस्ट में देख लेते हैं। इफ वी, अगर हमारे पास क्या हो दो चैम्बर हो, है ना, इन विच टू चैम्बर, कौन कौन से चैम्बर हैं, ए है और बी चैम्बर है, उसमें क्या है सोल्यूशन है कंटेनिंग सोल्यूशन, और जो सेपरेट कर रही है क्या उसमें मेम्ब्रेन कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सॉरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सॉरी क्या मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी वो चीज़ों को सिलेक्ट करके वो करेगी, ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसोसिएट में होती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं फिगर, ठीक है, क्या दिखाते हैं फिगर, अब फिगर में क्या हुआ, फिगर में क्या दिखाया गया हमको, एक ए चैम्बर दिखाया गया, एक बी चैम्बर दिखाया गया है। अब ए चैम्बर में क्या है, ए चैम्बर में जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो कम हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल मान लो चीनी के मॉलिक्यूल, और वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं, पाँच हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं, पाँच हैं, और यहाँ पे बहुत हैं, पाँच से ज़्यादा हैं, है ना, पाँच से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल जो हुआ इसका कितना, सोल्यूट पोटेंशियल जो हुआ, सोल्यूट पोटेंशियल इसका तो कम हुआ, है ना, और वाटर पोटेंशियल इसका क्या हुआ, इसकी अपेक्षा अगर देखेंगे तो ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब बी वाले में क्या है, इसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं और वाटर के मॉलिक्यूल कम हैं, है ना, और ये जो क्या मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो दोनों चैम्बर को क्या कर रही है सेपरेट कर रही है, ठीक है। अब हम आपको इसमें बताते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन टाइप के दिए गए हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या बताया गया हमको, फर्स्ट में क्या बताया गया है, ए में ए है, ए क्वेश्चन टाइप का दिया है हमको, उसमें पूछा है सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज ए लोअर वाटर पोटेंशियल, है ना, किस चैम्बर में, किस सोल्यूशन में, किस चैम्बर में लोअर वाटर पोटेंशियल है, लोअर वाटर पोटेंशियल यानी वाटर के फ्री मॉलिक्यूल कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए वाले में तो भाई बहुत हैं क्योंकि इसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल कम है, तो यानी वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो इसमें क्या है बी वाले में क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या है कम है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या है कम है, वाटर पोटेंशियल कम है, ठीक है, लोअर पूछा है ना हमसे, तो बी वाला हो जाएगा। अब आगे क्या है, अब आगे क्या बताया गया हमको कि सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर है जे लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, यानी किस चैम्बर में, सोल्यूशन के किस चैम्बर में जो सोल्यूट का है सोल्यूट पोटेंशियल है वो कम है, यानी सोल्यूट के मॉलिक्यूल कम है, तो ए वाले में सोल्यूट के मॉलिक्यूल पांच ही दिख रहे हैं हमको, बी वाले में बहुत हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि इसका जो बी वाले का आंसर हुआ सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर है जे लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल किसमें कम हुआ, ए वाले में सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो कम है क्योंकि इसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल कम है, ठीक है। अब सी वाला क्वेश्चन क्या दिया, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, है ना, अब ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी, तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होती है, जिसमें हाई वाटर पोटेंशियल होता है, हाई केमिकल वाटर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, तो इसके बेसिस से ए में वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, बी में कम है, तो यानी वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा, है ना, ए से बी वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है, हमको सी वाले का आंसर मिल गया। अब क्या है डी वाले में क्या पूछा है, विच सोल्यूशन हैज ए हाईएस्ट सोल्यूट पोटेंशियल, है ना, अब किस सोल्यूशन में हाईएस्ट सोल्यूट पोटेंशियल है, हाईएस्ट सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब है किसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो हमको दिख रहा है क्या दिख रहा है कि बी वाले चैम्बर में सोल्यूट के मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं,
तो हम बोल देंगे कि जो बी बी में है वाटर पोटेंशियल, सॉरी बी वाले में क्या है सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। अब क्या है एट इक्विलिब्रियम, ई वाला क्वेश्चन क्या है एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, है ना। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगी जब चीज़ें बराबर हो जाएंगी, तो ये हमसे पूछ रहा है एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल लोअर वाटर पोटेंशियल, तो हम बोलेंगे किसी में नहीं, किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम होगा तो दोनों में दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तभी इक्विलिब्रियम आता है। इसके नाम से ही पता चला इक्विलिब्रियम, यानी इसमें चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, तो मतलब कोई सारी की सारी चीज़ें इक्वल होंगी, इसमें कोई लो हाई नहीं होगा, ठीक है। अब उसमें क्या बताया गया हमसे, अब क्या बताया गया है, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इफ वन क्या है, इफ वन चैम्बर हैज माइनस 2000 kPa एंड अदर 1000 kPa विच हैव चैम्बर हैव हायर पोटेंशियल, है ना। अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल जो है किस में जाता है, तो जितनी मोर निगेटिव वैल्यू होगी, मोर निगेटिव वैल्यू तो ये क्या होगी लेस होगी, ये मोर निगेटिव वैल्यू जो है ये क्या है लेस है यानी कम है, तो यानी क्या है किसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे जिसमें 1000 वाला है ये क्या है हाई है, ठीक है, ये क्या है लेस निगेटिव यानी हाई है, ठीक है। ऑफ सुक्रोज इन वाटर टेकन इन ए फनल इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर इन ए बीकर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमको दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, वो एग्जाम्पल क्या है, है ना, कि एक सुक्रोज का सोलूशन लिया गया है, किसमें सुक्रोज का सोलूशन फनल में लिया गया है ना, फनल में एक सुक्रोज का सोलूशन लिया गया है और उसको प्योर वाटर से सेपरेट किया गया है ना, फनल है और क्या है बीकर है और उसमें क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, है ना। प्योर वाटर को फनल से सेपरेट किया गया है किसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, कौन सी मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये बात याद रखेंगे, डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, हमको पता है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिगर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले टेस्ट में देखते हैं ना। लेटर डिस्कस इन अदर एक्सपेरिमेंट वेयर ए सोलूशन ऑफ सुक्रोज, यहाँ पे सोलूशन ऑफ सुक्रोज का है, इन ए वाटर टेकन इन ए फनल इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर इन ए बीकर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। बीकर में वाटर है और क्या है फनल है, उसको सेपरेट किया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और जो फनल में है, फनल में क्या है सोलूशन ऑफ सुक्रोज है, ठीक है। आगे देखते हैं, यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इन ए एग, आप इस टाइप की मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, एग में प्राप्त कर सकते हैं, है ना, एग से प्राप्त कर सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना, जो इस टाइप की मेम्ब्रेन इस एक्सपेरिमेंट में यूज की गई आप एग से प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस वो बताया गया है, रिमूव द योक, है ना, योक को रिमूव करेंगे एंड एल्बुमिन, है ना, एल्बुमिन और योक को रिमूव करेंगे, ए स्मॉल होल एट एंड ऑफ द एग, है ना, एक एग के स्मॉल होल जो एंड में होगा उसके हम योक को रिमूव करेंगे और क्या एल्बुमिन को रिमूव करेंगे, तो क्या होगा हमको इस टाइप की मेम्ब्रेन मिलेगी। फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, और फिर उस एग को क्या करेंगे प्लेस करते हैं कहाँ पे, डाइल्यूट सोलूशन, है ना, किस सोलूशन में डाइल्यूट सोलूशन होना चाहिए, किसका होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना चाहिए, यानी HCl के डाइल्यूट सोलूशन पे हम लोग उसको एग को रख देंगे, उसका योक निकाल के और एल्बुमिन को निकाल के उसको हम एक कॉर्नर पे होल्ड करके रख देंगे, कहाँ पे डाइल्यूट सोलूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो कुछ घंटों बाद हम क्या देखेंगे, कुछ घंटों बाद हमें क्या मिलेगा, द एग सेल डिजॉल्व, एग सेल जो होगी वो डिजॉल्व हो जाएगी, एग सेल डिजॉल्व हो जाएगी और क्या बचेगा, लिविंग द मेम्ब्रेन इंटैक्ट, सिर्फ हमको क्या बचेगी मेम्ब्रेन मिलेगी, क्या मिलेगी मेम्ब्रेन इंटैक्ट, मतलब मेम्ब्रेन बचेगी, है ना, एग सेल डिजॉल्व हो जाएगी और क्या लिविंग मेम्ब्रेन इंटैक्ट, सिर्फ मेम्ब्रेन का इंटैक्ट मिल जाएगा हमको, है ना। आगे क्या दिया गया है, वाटर विल मूव इनटू द फनल रिजल्टिंग इन राइज इन लेवल ऑफ द सोलूशन इन फनल, जब वाटर फनल में जाएगा, वाटर फनल में जाएगा तो फनल का क्या होगा लेवल करेगा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा लेवल इंक्रीज करेगा, मैं आपको फिगर में बताऊंगा, आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। वाटर जब फनल के अंदर जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, क्योंकि वाटर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा सकते हैं ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से SPM से क्या होते हैं सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा सकते हैं, किसके सॉल्वेंट के, और वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है H2O क्या है वो सॉल्वेंट है, हम सभी जानते हैं ना, सॉल्वेंट सॉल्यूट में डिफरेंस हमको पता है, जो वाटर है वो क्या है सॉल्वेंट है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा सकते हैं, यानी वाटर जब फनल के अंदर जाएगा तो क्या करेगा फनल का लेवल इंक्रीज करेगा, यानी उसमें जो सुक्रोज सॉल्यूशन है उसका लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है, वही हमको बताया गया है।
वाटर विल मूव इनटू फनल रिजल्टिंग इन राइज इन द लेवल ऑफ सोल्यूशन इन फनल, तो जो सोल्यूशन है फनल में उसका लेवल भी राइज करेगा। दिस विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम रीचेज, ये कब तक चलेगा या ऐसा कब तक होगा, जब तक उसमें इक्विलिब्रियम ना जाए, जब तक उसमें इक्विलिब्रियम ना जाए तब तक ऐसा होगा, उसका लेवल राइज करता रहेगा। ठीक है, इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू मेम्ब्रेन, और आगे क्या बताया गया, इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू मेम्ब्रेन, अगर इसमें सुक्रोज जो है वो मेम्ब्रेन से बाहर आ जाए, विल दिस इक्विलिब्रियम कैन इवन रीच, तो इसमें हमसे पूछा गया क्या है, अगर सुक्रोज जो सोल्यूशन है वो फनल से बाहर आ जाए, है ना, आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या है इक्विलिब्रियम होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या, सोल्यूट यानी शुगर सोल्यूशन, है ना, और सॉल्वेंट यानी वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, इस वजह से इक्विलिब्रियम आएगा एक टाइम पे। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, अब क्या है, अब ये फिगर इसका जो ऊपर है इसका एग्जांपल का फिगर दिया गया हमको ए वाला। ठीक है, अब इसमें ए वाले में क्या है, ये क्या हुआ बीकर हुआ, ये क्या हुआ बीकर हो गया, है ना, ये क्या हो गया बीकर हो गया, ये बीकर ले लिया हम लोगों ने, और इसमें क्या लिया, ये फनल है जो इसमें क्या है सुक्रोज का सोल्यूशन भरा हुआ, फनल में क्या है सुक्रोज का सोल्यूशन भरा हुआ है, और उसमें क्या है एक मेम्ब्रेन लगाई गई, कौन सी मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है कैसी है, एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, है ना, कौन सी मेम्ब्रेन है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब क्या है ये वाटर है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ वाटर के यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो पाते हैं, तो जब बीकर में फनल को रखा गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई गई, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इस फनल के अंदर जाएंगे, है ना, क्योंकि वाटर क्या है सॉल्वेंट है, तो इसके मॉलिक्यूल आसानी से पास हो जाएंगे, तो ये फनल के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, इसका लेवल जो होगा वो राइज करेगा, इसका लेवल जो होगा राइज करेगा, फनल में सुक्रोज सोल्यूशन उसका लेवल राइज करेगा। ठीक है, अभी इसमें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया गया है। अब आगे जो हमको आर्टिकल दिया गया है उसमें इस वाले डायग्राम के बारे में बताया गया है कि जब उसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तब क्या होता है उसके बारे में दिखाया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखते हैं उसको भी, है ना। अब क्या हुआ, अब इसमें क्या है एक्सटर्नल प्रेशर, अब क्या किया, सेकंड वाले डायग्राम की बात कर रहा है यहाँ पे, एक्सटर्नल प्रेशर कैन अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल, है ना, जब एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहरी प्रेशर हम अपर पार्ट ऑफ द फनल से अप्लाई करेंगे, डेट क्या होगा, डेट नो वाटर डिफ्यूज इनटू द फनल, तो क्या होगा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई वाटर, मतलब वाटर नहीं डिफ्यूज होगा, है ना, क्या होगा वाटर डिफ्यूज नहीं होगा, समझ गए होंगे आप, जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करेंगे अपर पार्ट ऑफ द फनल में तो क्या होगा कोई वाटर डिफ्यूज नहीं होगा फनल में थ्रू मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वाटर का डिफ्यूजन नहीं होगा थ्रू मेम्ब्रेन फनल में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आगे क्या है, दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजिंग इज इन फैक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज फंक्शन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेशर जो हमको वाटर को डिफ्यूज होने में प्रिवेंट करने में लगाया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इस प्रेशर को क्या, कौन सा प्रेशर बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे। ये कब अप्लाइड किया जाता है, जब हम क्या करेंगे वाटर को प्रिवेंट करें फ्रॉम डिफ्यूजिंग, कि वाटर डिफ्यूज ना हो, है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है फंक्शन किसका है, किसका फंक्शन है, सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा जितना ज़्यादा हमको सोल्यूट की कंसंट्रेशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जितना सोल्यूट की मात्रा होगी उतना ही ज़्यादा हमको ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड करना पड़ेगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये बात याद रखेंगे कि जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किसका फंक्शन है, तो बोलेंगे हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन, जितना सोल्यूट कंसंट्रेटेड सोल्यूट होगा उतना क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी तो ग्रेटर विल द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग, तो हमको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा वाटर को डिफ्यूजिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए, कि वाटर डिफ्यूज ना हो। ये बात समझ गए होंगे आप, है ना। आगे क्या दिया गया है, न्यूमेरिकली जो होती है, अगर न्यूमेरिकली वैल्यू जो होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, है ना, जो न्यूमेरिकली क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। न्यूमेरिकली क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कि न्यूमेरिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसके इक्विवेलेंट होता है, तो बोलेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। बट क्या है,
साइन इज अपोजिट, बट इनका जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। साइन कैसा होता है? अपोजिट होता है। अब साइन अपोजिट में क्या बताया गया है हमको? ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा प्रेशर है? पॉजिटिव प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा प्रेशर है? ओपी कैसा है? ओपी कैसा है? पॉजिटिव प्रेशर है, ये बात याद रखेंगे। और क्या है? वाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा प्रेशर है? ये कैसा है? निगेटिव है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, हमको बता दिया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है ना, पॉजिटिव प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है, बट इसकी जो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है, न्यूमेरिकली दोनों सेम होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली कैसे? दोनों सेम होते हैं। अब हमको इसका सेकेंड वाला फिगर दिखाया गया है। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं हम लोग, जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड किया गया सो क्या हुआ? जब ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाएगा सो फनल में क्या, जो वाटर डिफ्यूज हो रहा था, वाटर डिफ्यूज हो रहा था वो अब नहीं होगा, है ना। ये प्रेशर कौन सा लगाया गया? ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। ये कौन सा प्रेशर हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हम वाटर को प्रिवेंट करते हैं कि वो फनल में डिफ्यूज ना हो, यानी वो सेमी परमियबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज ना हो, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा? पॉजिटिव प्रेशर होता है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा? निगेटिव होता है, ये बात याद रखेंगे। बट न्यूमेरिकली दोनों सेम होते हैं। अब क्या होगा, जब प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो इस मेम्ब्रेन से, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा? डिफ्यूज नहीं होगा, है ना, कोई भी फनल में डिफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे क्या बताया गया हमको? अब आगे हमको ये हमको बताया गया है कि फिगर क्या है, ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। हमने इसमें किसके बारे में देखा है? ऑस्मोसिस के बारे में देखा है। ए थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट है, ये बात याद रखेंगे। इसमें क्या किया गया था? इज फिल्ड विथ सुक्रोज सोल्यूशन। इसमें क्या, सुक्रोज सोल्यूशन लिया गया था, और उसको क्या किया गया था? इन्वर्टेड रखा गया था, यानी वीकर में, जिसमें क्या था? पानी था। वीकर में कैसा रखा गया था? इसको इन्वर्टेड रखा गया था, यानी उल्टा रखा गया था, और बीकर में क्या था? पानी था। फर्स्ट वाला तो हमको ये बताया गया, फर्स्ट वाले में क्या है? वाटर विल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वाटर क्या था? मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो रहा था, एज सोन बाई एरो, जैसा कि एरो में दिखाया गया है। एरो में क्या दिखाया गया है? कि वाटर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी फनल में जा रहा है जी। ठीक है, वाटर फनल में जा रहा है। अब उसमें क्या है, तो उससे क्या हुआ, तो उसका फनल का जो है क्या, लेवल राइज करेगा। टू राइज द लेवल ऑफ द सोल्यूशन इन फनल, तो फनल में सोल्यूशन का लेवल राइज करेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वाला क्या बताया गया था हमको? प्रेशर कैन बी अप्लाइड, जब प्रेशर अप्लाइड किया गया, कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड किया गया। कैन बी अप्लाइड सो टू स्टॉप द वाटर मूवमेंट इन टू द फनल, तो वो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड किया गया, वो किस लिए अप्लाइड किया गया? कि जो वाटर डिफ्यूज हो रहा था फनल में वो ना हो, उसको रोकने के लिए। ठीक है, उसको रोकने के लिए वो प्रेशर अप्लाइड किया गया था। अब आगे क्या दिया गया हमको, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ये बात हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, इसमें क्या है, प्लाज्मोलाइसिस में हम देखते हैं क्या लिखा गया है इस एनजीआरटी के टेस्ट में। द बिहेवियर ऑफ सेल, द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल और टिश्यू, है ना, जो सेल से मिलके क्या बनते हैं हमारे? टिश्यू बनते हैं। हमको बहुत पहले से पता है कि सेल मिलके हमारी क्या बनाती हैं, सेल मिलके हमारी क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगे। और टिश्यू से क्या बनते हैं हमारे? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बॉडी बनती है, यानी ऑर्गेनिज्म बनता है। ये बात हमको बहुत पहले से पता है। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल और टिश्यू विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड ऑन सराउंडिंग सोल्यूशन, है ना। तो इसमें हमको क्या बताया गया है कि जो प्लांट सेल का बिहेवियर होता है, किसका बिहेवियर होता है? प्लांट सेल का बिहेवियर होता है, या उसके टिश्यू का बिहेवियर हो, वो किस पे? वाटर के मूवमेंट पे डिपेंड करता है ना, वाटर के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, और उसके सराउंडिंग सोल्यूशन पे। उसके जो प्लांट सेल में वाटर का मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है? उसके सराउंडिंग सोल्यूशन पे, है ना। सराउंडिंग सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसके जो बाहर सोल्यूशन पाया जाएगा उस पे डिपेंड करेगा, है ना। अब इसमें हम कुछ आपको टर्म बताते हैं। टर्म क्या है, कुछ टर्म क्या है, जैसे हो गया आइसोटोनिक, है ना, आइसोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, और हाइपोटोनिक हो गया, है ना। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और हाइपो का मतलब होता है, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, ये बात हमको पता है। ठीक है, और क्या होता है? फ्लैसिड, एक आगे वर्ड आएगा, क्या आएगा? फ्लैसिड आएगा। फ्लैसिड का मतलब होता है पिचकी हुई, क्या? पिचकी हुई, यानी वो पिचकी हुई होगी। ठीक है, और क्या होगा, एक क्या होगा? टर्गिड, एक कैसा होगा? टर्गिड,
टर्गिट का मतलब होगा फूला हुआ, ठीक है, फूला हुआ यानी वो फूला हुआ है, स्वेलिंग है ना। अब ये चीज़ें हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, इसमें क्या है, जो प्लांट सेल होती है उसमें वाटर का मूवमेंट डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग सोलूशन पे, है ना। इफ सोलूशन, इफ एक्सटर्नल सोलूशन, कैसा सोलूशन, जो बाहर का सोलूशन है, इफ एक्सटर्नल सोलूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी जो साइटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो एक्सटर्नल सोलूशन है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, आइसोटोनिक, यानी उसकी जो टोनिसिटी है वो सेम है, ठीक है, एक्सटर्नल सोलूशन की और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म की टोनिसिटी है वो सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे। मैंने आइसोटोनिक का मतलब बताया था सेम, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, सेकंड क्या दिया गया है, इफ एक्सटर्नल सोलूशन इज मोर डाइल्यूट, अगर एक्सटर्नल सोलूशन है वो मोर डाइल्यूट है किसके कंपेयर में, साइटोप्लाज्म के, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो मोर कंसेंट्रेटेड है देन एक्सटर्नल सोलूशन, या ऐसे हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल सोलूशन मोर डाइल्यूट है देन साइटोप्लाज्म से, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे, हाइपोटोनिक यानी साइटोप्लाज्म के अलावा यानी एक्सटर्नल में अगर कंसंट्रेटेड है तो क्या बोल देंगे, हाइपर बोल देंगे, एक्सटर्नल वाला अगर डाइल्यूट है तो उसको हम हाइपो बोल देंगे, अगर एक्सटर्नल वाला की टोनिसिटी साइटोप्लाज्म की टोनिसिटी से बराबर है तो उसको हम आइसो बोल देंगे। सिंपल सा वर्ड है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या बताया गया है, इफ एक्सटर्नल सोलूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, अगर बाहरी सोलूशन जो है वो मोर कंसंट्रेटेड है किससे, साइटोप्लाज्म से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। हाइपर का मतलब ही होता है ज़्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा या मोर, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा या मोर, जैसे हाइपरटेंशन है ना, तो ये क्या होता है, हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा या मोर, यानी एक्सटर्नल सोलूशन है वो साइटोप्लाज्म से क्या है, मोर कंसंट्रेटेड है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। अब आप समझ गए होंगे ये तीनों वर्ड। अब आगे क्या दिया गया है, सेल जो होती है, है ना, प्लांट की सेल होती है, सेल स्वेल इन हाइपोटोनिक सोलूशन एंड श्रिंक इन हाइपोटोनिक सोलूशन, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल होगी वो किसमें स्वेल कर जाएगी, हाइपोटोनिक में, है ना, हाइपोटोनिक में क्यों स्वेल कर जाएगी, हाइपोटोनिक में क्यों स्वेल कर जाएगी, उसका मतलब क्या है कि सेल जो है बाहर का सोलूशन जो है वो क्या है, बाहर का सोलूशन कैसा है, वो हाइपोटोनिक है, तो उसमें क्या है, सेल के कंसंट्रेटेड, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कंसंट्रेटेड है बाहर जो है, उसमें क्या है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल चीज़ें जाएंगी, तो क्या होगा कि पानी के जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं सेल के अंदर घुस जाएंगे, सेल के अंदर घुस जाएंगे तो सेल का जो है इनऑर्मसली साइज बढ़ जाएगा, सेल का क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। जब कोई चीज़ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आएगी तो उसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर जो है हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक का मतलब वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, है ना, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती हैं चीज़ें, ये प्रकृति का नियम है, तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे तो सेल का साइज जो होगा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब क्या होगा, सेल जो होगी श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना या पिचकना, है ना, सेल जो होगी श्रिंक हो जाएगी किसमें, हाइपरटोनिक में, यानी क्या होगा, अब बाहर का सोलूशन जो है वो क्या है, मोर कंसंट्रेटेड है, बाहर का सोलूशन क्या है, मोर कंसंट्रेटेड है, तो वहाँ पे पानी की कमी है, तो सेल के साइटोप्लाज्म से पानी से बाहर निकल जाएगा, तो सेल जो होगा, सेल का साइज जो होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कैसा होगा, सेल का साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, उसका डायमीटर छोटा हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाली चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। प्लाज्मोलाइसिस अगर व्हेन वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, है ना, प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, जब सेल से क्या वाटर निकल जाता है, प्लाज्मोलाइसिस अगर व्हेन वाटर मूव आउट द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल अवे श्रिंक फ्रॉम सेल वॉल, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लाज्मोलाइसिस होता है वो कब होता है, जब वाटर मूव हो जाता है सेल से, पहली बात तो ये हुई, प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, जब किया वाटर मूव कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मूव आउट हो जाएगा सेल से, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, ये बात याद रखेंगे। अब इसमें क्या होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट, सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट की, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, सभी में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल तो होती है, और सेल वॉल जो होती है वो प्लांट का कैरेक्टर है, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये बात हमको पता है ना। तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम इट सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो क्या, सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये वाली जो बाहर वाली है, ये बाहर वाली क्या है, ये सेल वॉल होगी, ये क्या हुई, ये वाली यहाँ पे एक होगी सेल मेम्ब्रेन होगी,
अब क्या होगा, जब प्लाज्मोलाइज सेल होगी, प्लाज्मोलाइज सेल होगी तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी सेल वाल से श्रिंक हो जाएगी, यानी इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, ऐसे ऐसे, ये मान लो ये प्लांट की सेल है, ये इसकी सेल वाल हुई और ये इसकी जो क्या है सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये क्या होगा, जब श्रिंक हो जाएगी तो ये जो है अंदर तरफ कॉन्टैक्ट कर जाएगी। मैं आपको फिगर में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बताया गया प्लाज्मोलाइज कर रहे जब वाटर मूव कर जाता है सेल से, और सेल मेम्ब्रेन की जो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसके सेल वाल से क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, यानी उसकी दूर चली जाती है, यानी बीच में आ जाती है, ठीक है। दिस अकर व्हेन, ये कब होता है, दिस अकर व्हेन, ये हमको फिगर दिखाए गए, फिगर में आपको बाद में बताऊंगा। दिस अकर व्हेन द सेल और टिश्यू इज प्लेस इन ए सोल्यूशन डेट इज हेपाटोनिक। प्लाज्मोलिसिस कब होगी, जब ऐसे सेल या टिश्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, जो सोल्यूशन है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है, यानी उसमें क्या है, सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसनट्रेशन कम है, यानी मोर सल्यूट मोर है, क्या है, सल्यूट मोर सॉल्वेंट लेस, यानी सल्यूट ज़्यादा है और वाटर के मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन वो कम है, ठीक है। टू द प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म की अपेक्षा जो सोल्यूशन है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है, यानी इसमें क्या है, मोर सल्यूट है, ठीक है, मोर सल्यूट की कंसनट्रेशन है। अब क्या है, वाटर मूव आउट इट इज फर्स्ट लॉस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो वाटर मूव होगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सेल के पहले साइटोप्लाज्म से वाटर लॉस होगा, है ना। फर्स्ट वाटर लॉस कहाँ से होगा, फर्स्ट वाटर लॉस जो होगा साइटोप्लाज्म से होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में मेन रहना होता है सेलुलर एक्टिविटी के लिए। प्रोकैरियोट यूकैरियोट साइटोप्लाज्म दोनों पाया जाता है ना, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। तो साइटोप्लाज्म सबसे पहले वाटर लॉस होगा वो साइटोप्लाज्म से होगा, और उसके बाद कहाँ से होगा, उसके बाद कहाँ से लॉस होगा, वोक्यूल से, है ना। वोक्यूल पाया जाता है प्लांट में, जो मोस्ट ऑफ पार्ट 90% जो उसका उसका साइज होता है वो कवर करता है प्लांट सेल में, ठीक है। पहले साइटोप्लाज्म से लॉस होगा, फिर क्या से वोक्यूल से लॉस होगा वाटर, ठीक है। द वाटर व्हेन ड्रॉ आउट द सेल थ्रू डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रा सेलर आउटसाइडर फ्लूइड कॉज द प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक अवे फ्रॉम इट्स वॉल। इसका मतलब यही था कि जब वाटर सेल से निकल जाएगा, है ना, वाटर सेल से क्या होगा, ड्रॉ आउट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। जब वाटर सेल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ये बात याद रखेंगे। जब वाटर सेल से निकलेगा, बाहर निकलेगा, किसके थ्रू निकलेगा, डिफ्यूजन से निकलेगा, और कहाँ चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी आउटसाइड ऑफ सेल, यानी सेल के बाहर चला जाएगा। तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, फ्लूइड कॉज द प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक फ्रॉम इट सेल वाल। तो उसमें क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट जो होगा उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो श्रिंक हो जाएगी, कहाँ से, इसकी सेल वाल से, है ना। यही क्या हुआ, प्लाज्मोलिसिस हुआ। अब ये हुआ प्लाज्मोलिसिस, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस सेल सेट टू बी प्लाज्मोलाइट। तो ऐसी सेल को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइट सेल बोलेंगे, है ना। इस सेल को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइट सेल बोलेंगे। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, इग्जोऑस्मोसिस, है ना। फिनोमिना को क्या बोलेंगे, इग्जोऑस्मोसिस बोलेंगे, है ना। जब सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसकी सेल वाल को छोड़ देगी और श्रिंक हो जाएगी। तो ये तो क्या हुआ, प्लाज्मोलिसिस हुआ, है ना। ये इसको क्या बोले, प्लाज्मोलिसिस बोला, और ऐसी सेल को प्लाज्मोलाइज सेल बोला। बट ये जो पूरा फिनोमिना हुआ सेल वाल का, सेल मेम्ब्रेन से अलग होना, मतलब श्रिंक होना, तो इसको क्या बोले, एग्जोऑस्मोसिस बोले। ये बात याद रखेंगे कि इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, एग्जोऑस्मोसिस बोलते हैं। जो सेल इससे प्रभावित होती है, इफेक्ट होती है, डिफेक्ट होती है, तो उस सेल को क्या बोलते हैं, उस सेल को प्लाज्मोलाइट सेल बोलते हैं। और इस ये वाटर का निकलना सेल से, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तीनों वर्ड अलग अलग हैं, याद, बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एन एरिया हाई वाटर पोटेंशियल टू एन लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द सेल। तो हमने आपको बताया था कि वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, कहाँ से हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर, कोई प्रकृत का नियम है, कहाँ से हायर कंसनट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसनट्रेशन जाने की सोचती हैं, है ना। तो मूवमेंट क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स, मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से हुआ, अकर्स अक्रॉस मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एन एरिया, उस एरिया से मूव करेगा जहाँ पे क्या है,
वाटर की हाई क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल है ना। हाई वाटर पोटेंशियल कहाँ पे है, सेल पे है ना। प्लाज्मोलाइसिस की केस में क्या हुआ, हाई वाटर पोटेंशियल सेल पे, तो सेल से वाटर क्या रिमूव कर जाएगा और उस एरिया पे जाएगा जहाँ पे क्या है वाटर, लोअर वाटर पोटेंशियल कहाँ है, आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी सेल के बाहर जो लोअर वाटर पोटेंशियल है वहाँ पर चीज़ें चली जाएंगी, अब फिगर बताया गया है 11.5 पे, फिगर आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, तो पहले टेस्ट में देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट स्पेस क्या दिया गया है, व्हाट स्पेस आगे हमको क्या बताया गया, व्हाट स्पेस, व्हाट ऑक्यूपाइज स्पेस, कौन सा वो क्या ऑक्यूपाई करता है स्पेस बिटवीन द सेल वॉल, एंड श्रंकेन प्रोटोप्लाज्म है ना, क्या श्रंकेन प्रोटोप्लाज्म अब प्लाज्मोलाइट सेल है ना, जो प्लाज्मोलाइट सेल होती है उसके बीच में जो स्पेस बन जाता है, सेल वॉल के बीच में बन जाता है स्पेस है ना, और उसके प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल और उसके जो प्रोटोप्लाज्म श्रंक हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है, तो उसके बीच कैसा सोल्यूशन हो जाता है, तो उसमें कैसा सोल्यूशन ऑक्यूपाई होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो हम क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की वजह से ही क्या हुई प्लाज्मोलाइसिस हुई, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब क्या हुआ व्हेन द सेल जब सेल को और टिश्यू को प्लेस करते हैं कहाँ पे, आइसोटोनिक सोल्यूशन पे, मैंने बताया था आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब हुआ वहाँ पे टोनिसिटी जो होगी क्या होगी सेम होगी, यानी उसमें जो सेल वॉल और सॉरी साइटोप्लाज्म और उसका एक्सटर्नल सोल्यूशन होगा, वो दोनों को बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये इसको सोल्यूशन को कैसे बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है व्हेन जब सेल को हम प्लेस करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में, तो देयर इज नो, क्या बोला देयर इज नो, नो मतलब नहीं, क्या होगा नेट फ्लो ऑफ वाटर टूवर्ड्स द इनसाइड और आउटसाइड, तो ये इसमें क्या हुआ जब हम सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन पे रखेंगे तो वहाँ पे वाटर का फ्लो नहीं होगा, नेट फ्लो नहीं होगा, ना तो बाहर होगा ना तो अंदर होगा, नेट फ्लो नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ आइसोटोनिक हुआ। अब क्या है इफ एक्सटर्नल सोल्यूशन, अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन क्या है बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू आइसोटोनिक, जब एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस करे किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं आइसोटोनिक बोलते हैं, है ना, यानी इसकी टोनिसिटी है वो सेम है, ठीक है। टोनिसिटी क्या है सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर जब बैलेंस करे साइटोप्लाज्म के एक्सटर्नल सोल्यूशन से तो क्या हुआ आइसोटोनिक हुआ, ठीक है, क्या हुआ आइसोटोनिक हुआ। अब आगे क्या दिया गया है व्हेन वाटर फ्लो इन टू द सेल एंड आउट द सेल आर इन इक्विलिब्रियम द सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड, मैंने आपको बताया था फ्लैसिड का मतलब क्या हुआ, फ्लैसिड का मतलब हुआ पिचकी हुई होना, क्या होना पिचकी हुई होना, ठीक है। तो यही बताया गया है जब वाटर का फ्लो सेल में अंदर है ना, सेल में अंदर इनटू द सेल एंड आउट द सेल, जब वाटर का फ्लो सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या हो इक्विलिब्रियम में हो, कैसा हो इक्विलिब्रियम में हो, तो उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैसिड बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जब वाटर का फ्लो सेल के अंदर और बाहर बराबर हो इक्वल हो इक्विलिब्रियम में हो तो उस सेल को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्लैसिड, सेल कैसी है फ्लैसिड है, ये बात याद रखेंगे। अब आगे क्या हुआ, आगे हमसे ये बताया गया द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, जो प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस है वो कैसा है यूजली रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ खराब हुई है तो वो चीज़ फिर से वापस आ सकती है ना, सीधा से सिंपल मतलब है कि वो दोनों डायरेक्शन में चीज़ें काम कर सकती हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस यूजली रिवर्सिबल, ये क्या होता है खराब हुई चीज़ फिर से आ सकती है, यानी दोबारा से चीज़ उसको हम पा सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब वो पुनः हो सकती है, ठीक है। आगे क्या है व्हेन द सेल आर प्लेस इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, सो क्या हुआ प्लाज्मोलाइट सेल थी यानी उसके उसका जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर रख रहे थे तो उसका साइटोप्लाज्म से वाटर का कंटेंट था वो बाहर निकल जा रहा था, तो सेल प्लाज्मोलाइज हो गई थी। अब क्या है प्लाज्मोलाइज हो गई सेल, अब उसको हमको फिर से नॉर्मल लाने के लिए अब हम क्या करें ऐसे सोल्यूशन पर रख दें जहाँ पे जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है वो मोर डाइल्यूट है साइटोप्लाज्म की अपेक्षा में, तो क्या होगा बाहर से पानी क्या होगा अंदर आ जाएगा तो सेल फिर से क्या हो जाएगी नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगी, ठीक है। वही बताया गया है व्हेन द सेल आर प्लेस इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब सेल को के हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा हायर वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, क्या होगा हायर वाटर पोटेंशियल होगा या उसी को क्या बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, किसके कंपेयर में साइटोप्लाज्म के, है ना, साइटोप्लाज्म के कंपेयर में जो बाहर का सोल्यूशन हो वो कैसा हो हाई वाटर पोटेंशियल हो या डाइल्यूट हो, तो उस सेल में क्या होगा उसको क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक बोलेंगे,
है ना, वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल कॉजिंग द साइटोप्लाज्म टू बिल्ड प्रेशर अगेन द सेल वॉल, अगेन द सेल वॉल डेट इज टर्ग प्रेशर। अब क्या होगा कि जब वाटर डिफ्यूज करेगा, वाटर कहाँ डिफ्यूज करेगा, सेल में, वाटर कहाँ डिफ्यूज करेगा, सेल में डिफ्यूज करेगा, तो सेल क्या कॉज करेगी, जो साइटोप्लाज्म होगा है ना, साइटोप्लाज्म होगा, वाटर डिफ्यूज करेगा सेल के साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक प्रेशर लगाएगा, प्रेशर कहाँ पे बिल्डअप करेगा, अगेन द सेल वॉल, अगेन द वॉल या सेल वॉल, यहाँ वॉल बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल वॉल बोला, ठीक है, सेल वॉल बोला, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो सेल का साइटोप्लाज्म होगा वो किसके अगेंस्ट प्रेशर बिल्डअप करेगा, वो करेगा सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर बिल्डअप करेगा, तो इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर, याद रखेंगे क्या प्रेशर बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं, है ना, ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं, जब साइटोप्लाज्म प्रेशर किस पे बिल्डअप करे, सेल वॉल पे, तो इस प्रेशर को ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई, जब प्रेशर एग्जर्टेड बाई प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेन द रिजिड सेल वॉल इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, जब साइटोप्लाज्म सेल का साइटोप्लाज्म सेल वॉल के अगेंस्ट अपना प्रेशर एग्जर्ट करे तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं। अब क्या हुआ, जब प्रोटोप्लास्ट वो किसके सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर लगाए तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे कि जब साइटोप्लाज्म ऑफ सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर लगाता है तो उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं, और जब क्या होता है वो जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर लगाता है तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। इसको साई पी से डिनोट करते हैं, किससे, साई पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यही क्या बताया गया, बिकॉज द रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल द सेल डज नॉट रैप्चर, क्योंकि जो प्लांट सेल में होती है, जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, इसकी वजह से क्या होता है, सेल जो होती है वो रैप्चर नहीं करती है। बट ह्यूमन के केस में क्या होता है, एनिमल के केस में क्या होता है, एनिमल के केस में क्या होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इसी वजह से आरबीसी को अगर हम वाटर पे रख देंगे तो क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, यानी क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है और वो फूल के फट जाएगी, फूल के फट जाएगी, यानी टर्गिड होगी और फट जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल, है ना, ये टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होता है, सेल जो होती है इनलार्जमेंट हो जाती है ना, क्या होती है, सेल इनलार्जमेंट हो जाती है, और क्या हो जाती है, उसकी इनलार्जमेंट होगी तो उसका एक्सटेंशन होगा, यानी ग्रोथ होगी, यानी सेल बड़ी होगी तो क्या अपनी वो साइज में ग्रो करेगी, यही बताया गया है। टर्गर प्रेशर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, है ना, सेल की ग्रोथ के लिए, इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया है, वाट वुड द पोटेंशियल प्रेशर, है ना, क्या बोला पोटेंशियल है ना, ऑफ लेसिव सेल विच ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट प्रोसेस सेल वॉल, है ना, इसमें बोला कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है प्लांट के अलावा जो सेल वॉल प्रोसेस करता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें सेल वॉल प्लांट के अलावा सेल वॉल किस में होती है, तो हम क्या बोलेंगे, किसी में नहीं होती है, है ना, किसी में नहीं होती है, नो, क्या होती है, नो, यानी किसी में सेल वॉल नहीं होती है। अब इसमें क्या है, व्हाट वुड द प्रेशर पोटेंशियल, है ना, अब फ्लैशिड सेल का प्रेशर पोटेंशियल कितना होता है, तो हम बोलेंगे जीरो, है ना, फ्लैशिड सेल का प्रेशर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो बोलेंगे। और क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो प्लांट के अलावा सेल वॉल प्रोसेस करता है, तो हम बोलेंगे नो, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया हमको, इम्बाइबिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना, इम्बाइबिशन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। इम्बाइबिशन इज द स्पेशल टाइप ऑफ द डिफ्यूजन, जो इम्बाइबिशन होता है वो स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, है ना। इसको पढ़ने से पहले आपको मैं इसका जो प्लाज्मोलाइसिस का फिगर था वो दिखा देता हूँ, प्लाज्मोलाइसिस का फिगर बाई मिस्टेक छूट गया, तो उसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सारा का सारा कवर हो जाएगा। ए सेल क्या है, ए में हमको क्या दिखाया गया था, ए सेल हमको दिखाई गई, ये कैसी सेल है, ये ए सेल जो दिखाई गई कैसी, प्लाज्मोलाइट सेल है। अब प्लाज्मोलाइट सेल क्या है, ये यहाँ पे सेल है, अब ये इसकी सेल वाल हुई, ये क्या हुई, ये सेल वाल हुई, और सेल से क्या है, H2O बाहर जा रहा है, सेल से क्या जा रहा है, H2O बाहर जा रहा है, क्योंकि बाहर का जो सोलूशन है कैसा है, हाइपरटोनिक है, यानी मोर कंसनट्रेटेड है देन साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, तो इस सेल को क्या बोला, प्लाज्मोलाइट सेल बोला, है ना, इस सेल को क्या बोला, प्लाज्मोलाइट सेल बोला, यानी इसका वाटर निकल गया सेल से। अब सेकेंड, तो यहाँ पे सोल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पे सोल्यूशन होगा हाइपरटोनिक, कैसा होगा, हाइपरटोनिक एक्सटर्नल सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे सेल है, इसकी सेल वॉल और इसमें सेल मेम्ब्रेन में
कोई दिक्कत नहीं हुई, यानी अच्छा खासा सेल है जैसी कि जैसी थी। तो इसमें वाटर जितना बाहर गया उतना अंदर आया, तो क्या हुआ ये यहाँ पे सोल्यूशन कैसा है, दोनों इक्विलिब्रियम में कैसा सोल्यूशन है, यहाँ पे आइसोटोनिक यानी बाहर का सोल्यूशन है, आइसोटोनिक है। अब ये सी वाला क्या है, सी वाला इसमें क्या हुआ, पानी इसमें अंदर आ रहा है, पानी अंदर आ रहा है यानी बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा यानी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो बाहर का सोल्यूशन कैसा हुआ, हाइपोटोनिक हुआ। कैसा हुआ, हाइपोटोनिक हुआ, यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, है ना। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कैसी सेल हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, ये बात याद रखेंगे। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या है, इम्बाइबिशन के बारे में देखते हैं हम लोग, इम्बाइबिशन, है ना। इम्बाइबिशन क्या होता है, इम्बाइबिशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द डिफ्यूजन, जो इम्बाइबिशन होता है वो कैसा, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। इम्बाइबिशन कैसा होता है, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन क्यों बोला, क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीके का होगा, अलग लेवल का होगा, इस वजह से इसको स्पेशल टाइप का बोला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इम्बाइबिशन स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड कोलाइड, है ना। इम्बाइबिशन क्या होगा, जब वाटर सॉलिड कोलाइड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाए, है ना, सॉलिड कोलाइड के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया जाए, वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉलिड कोलाइड, जब सॉलिड कोलाइड वाटर एब्जॉर्ब करे तो उसको क्या बोलेंगे, इम्बाइबिशन बोलेंगे। सॉलिड कोलाइड क्या होगा, कोई भी सॉलिड चीज जैसे वुड होती है, सीड हो गया, है ना, लकड़ी हो गई, क्या हो गई, वुड हो गया, सीड हो गया, ये कैसे हैं, सॉलिड कोलाइड में आएंगे। अब इनके द्वारा अगर वाटर एब्जॉर्ब किया जाए और उसका क्या होगा, इनॉर्मसली इंक्रीज इन वैल्यूम, और उनका वैल्यूम इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इम्बाइबिशन बोलेंगे। समझ गए होंगे, इम्बाइबिशन का सिंपल मतलब ये हुआ, इम्बाइबिशन जो है एक सिंपल टाइप का डिफ्यूजन है, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, है ना। स्पेशल टाइप का क्या है, डिफ्यूजन है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है इस सॉलिड कोलाइड के द्वारा, कि सॉलिड कोलाइड जो हो गए वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। कौन से एब्जॉर्ब करेंगे, सॉलिड कोलाइड वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, अपने साइज को इनॉर्मसली इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, अपने साइज वॉल्यूम को बढ़ा लेंगे। अब यही क्या है, द क्लासिकल, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन आर, क्लासिकल एग्जाम्पल क्या दिया गया हमको, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड, यानी सीड के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करना, क्या सीड के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करना, और क्या ड्राई वुड के द्वारा, है ना, सूखी लकड़ी और सीड के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करना, एग्जाम्पल ऑफ द इम्बाइबिशन, किसका एग्जाम्पल है, इम्बाइबिशन का एग्जाम्पल है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जब सीड और ड्राई वुड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमेना को हम लोग इम्बाइबिशन बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे। ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, प्रेशर डेट इज प्रोड्यूस बाई द स्वेलिंग ऑफ वुड, ये जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा, जब वुड जो होगी, लकड़ी होगी, वो स्वेल कर जाएगी, तो उसमें क्या प्रेशर लगेगा, है ना। द प्रेशर प्रोड्यूस बाई द स्वेलिंग ऑफ वुड हैड बीन यूज बाई प्री हिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक एंड वॉल्डर, है ना। ये जो प्रेशर इम्बाइबिशन के द्वारा जो उसमें वुड में प्रेशर लगेगा, लकड़ी स्वेलिंग होगी उसमें प्रेशर लगेगा, तो क्या होता था, ये प्रेशर कहाँ पर यूज करते थे, प्री हिस्टोरिक मैन जो थे, पहले के आदिमानव जो थे, आदिवासी थे, तो वो क्या यूज करते थे, इसका प्रेशर, जब लकड़ी स्वेल होती थी उसकी प्रेशर को यूज करते थे, वो चट्टानों को तोड़ने में, है ना, चट्टानों को, वॉल्डर को तोड़ने में इसका यूज करते थे। अब कोई चट्टान तोड़नी होती थी तो उनको क्या करते थे, वो लोग वो लकड़ी को उसी चट्टान में जहाँ पे तोड़ना है उसमें थोड़ी बहुत सांस हुई, स्पेस हुआ, तो उसमें उस लकड़ी को रख दिया। अब क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, है ना, वाटर एब्जॉर्ब करेगी वुड, तो वाटर जब वुड एब्जॉर्ब करेगी तो उसका जो साइज होगा वो इनॉर्मसली बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर इतनी स्पेस में कोई लकड़ी लगाई गई, अभी इसका साइज इंक्रीज हुआ तो ये क्या पूरे पे हो गई, है ना, इसका साइज पूरा हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर लग जाएगा, तो प्रेशर लगेगा तो जो रॉक होगी वो क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी, है ना, रॉक होगी वो टूट जाएगी। इसी तरह से रॉक को तोड़ते थे प्री हिस्टोरिक मैन, ठीक है, यही बताया गया हमको। इफ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू इम्बाइबिशन, है ना, ये क्या हुआ, अगर यहाँ पे क्या हुआ, इम्बाइबिशन ना हो, है ना, अगर इम्बाइबिशन के द्वारा प्रेशर ना हो तो क्या होगा, जो सीडलिंग होती है, इम्बाइबिशन के द्वारा प्रेशर ना हो तो जो सीडलिंग होती है, यानी जो बीज अंकुरित होते हैं, यानी जो क्या होते हैं, अंकुरण होता है, सीडलिंग का मतलब होता है अंकुरण, अंकुरण यानी जो बीज हम लोग खेत में बोते हैं, कोई चीज़ सीड को डालते हैं तो वो अंकुरित होता है, उसके बाद क्या होता है, बड़ा प्लांट बनता है, है ना, बड़ा पौधा बनता है। तो अगर इम्बाइबिशन प्रेशर ना हो तो उसकी वजह से सीडलिंग नहीं होगी, इम्बाइबिशन प्रेशर की वजह से क्या होती है, सीडिंग होती है ना। सीडलिंग वुड नॉट
हैज बीन एबल टू इमर्ज आउट द सॉइल इनटू ओपन, है ना। सीडलिंग इम्बाइबिशन प्रेशर की वजह से, इम्बाइबिशन की वजह से ही सीडलिंग जो होती है वो होती है, और क्या होते हैं फिर वो जो छोटा प्लांट बनता है वो सॉइल से बाहर आता है, है ना, सॉइल से बाहर आता है, ठीक है। अगर सीड इम्बाइबिशन नहीं होगा तो ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। आगे क्या है, दे प्रॉबली वुड नॉट हैव एबल टू स्टेबलाइज, और ये प्लांट सीड जो होगा वो सॉइल से बाहर नहीं आएगा, है ना, और वो अपने आप को क्या करेगा, स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, है ना। स्टेबलाइज क्यों कर पाता है, क्योंकि इम्बाइबिशन की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं, इम्बाइबिशन इज आल्सो डिफ्यूजन, है ना। इम्बाइबिशन क्या होता है, इम्बाइबिशन इज आल्सो डिफ्यूजन सिंस वाटर मूवमेंट इज ए अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इम्बाइबिशन जो होता है ये क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें जो वाटर का मूवमेंट होता है कैसा होता है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कैसे, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इसमें वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर मूवमेंट होगा, ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, ये डिफ्यूजन है, क्योंकि डिफ्यूजन में भी यही होता था, वाटर की चीज़ें मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चीज़ें जाती थी, ठीक है। डिफ्यूजन और इम्बाइबिशन दोनों बात एक ही है, बट ये स्पेशल टाइप का थोड़ा, ठीक है। इसमें सॉलिड कोलाइड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, द सीड एंड अदर सच मटेरियल हैव ऑलमोस्ट नो वाटर, हेंस दे वाटर एब्जॉर्ब इजिली, है ना। क्योंकि जो सीड होता है ना, सीड क्या होता है, सीड होता है वो सूखा होता है ना, उसमें 10 से 15% तो वाटर होता है यार, है ना, ऐसे बोलते हैं होता है ना, क्योंकि सूखा है, बट अगर उसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा तो वो अपना रिस्पायरेशन नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाएगा, खत्म हो जाएगा, अपना अस्तित्व खत्म कर देगा। बट ऐसा क्या है, यहाँ पे हमको बताया गया कि सीड जो होता है वो कंसाइडर करते हैं कि वो सूखा हुआ है ना, हम लोग ये जनरली कंसाइडर करेंगे कि उसमें नो वाटर है, है ना, बट उसमें स्टिल वाटर होता है, कुछ मात्रा में होता है, ठीक है। तो क्या है, सीड एंड अदर सच मटेरियल, इसमें क्या है, वाटर नहीं होता है, तो इसीलिए वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी की कमी है, और पानी की कमी को पूरी करने के लिए यानी हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन में जाती हैं, तो यानी वाटर जो है सीड में कम है, तो इस वजह से हाई कंसंट्रेशन से बाई डिफ्यूजन के थ्रू वाटर सीड के अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट, है ना। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, यानी वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन बाहर क्या है, है ना, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करे, चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेंट बोलेंगे। एंड क्या होता है, लिक्विड, जो लिक्विड होगा जो इम्बाइबिशन कर रहा है ना, जो इम्बाइबिशन कर रहा है, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, है ना, तभी चीज़ें इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। वाटर एब्जॉर्ब, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके किसके बीच होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट के बीच होना चाहिए, और क्या जो इम्बाइबिशन हो रहा है लिक्विड में उसके बीच में, है ना, उसके बीच में क्या होना चाहिए, वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट होना चाहिए, वाटर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड आल्सो प्री रिक्वेस्टिंग, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, है ना, किसी भी सब्सटेंस को इम्बाइब एनी लिक्विड, किसी लिक्विड में इम्बाइब करा रहे हैं, यानी उसमें वाटर एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट यानी एब्जॉर्बेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एडजॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एडजॉर्बेंट के बीच में क्या हो जाए, एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट का मतलब क्या होता है, ये एडजॉर्शन और एब्जॉर्प्शन दो अलग अलग वर्ड हैं, तो ये क्या होता है, एडजॉर्शन का मतलब क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है, क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है, ये चीज़ें इसकी सरफेस से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट, है ना, एडजॉर्बेंट बोलते हैं, सरफेस फिनोमेना होता है, ये क्या होता है, प्री रिक्वेस्टिक होता है ना, किसी लिक्विड के लिए प्री रिक्वेस्टिक होता है, यानी पहली ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं आपको दो टर्म बताता हूँ, एब्जॉर्प्शन है ना, यानी चीज़ें इसमें क्या होंगी, सेल के अंदर जाएंगी, है ना, अंदर जाएंगी, क्या होगी, एब्जॉर्प्शन में क्या होगी चीज़ें, एब्जॉर्प्शन में चीज़ें अंदर जाएंगी, कहाँ जाएंगी, अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और
एडजॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें एडी वाले में क्या होगा, एडजॉर्प्शन में क्या होगा, एडजॉर्प्शन में क्या होंगी चीज़ें, सरफेस पे रहेंगी। कहाँ पे रहेंगी, सरफेस पे रहेंगी। ये बातें याद रखेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होल फिनोमिना होता है, बट जो एडजॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। यानी एब्जॉर्प्शन हुआ उसमें चीज़ें मतलब एब्जॉर्ब होंगी तो पूरा अंदर जाएंगी, और एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमिना होता है। ये बात को याद रखेंगे हम लोग। तो अब इम्बाइबिशन क्या हुआ है ना, इम्बाइबिशन सॉलिड क्लोराइड के द्वारा चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही थी है ना, तो इम्बाइबिशन क्या हुआ, इम्बाइबिशन क्या हुआ, इम्बाइबिशन क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। कैसा हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, नॉट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ए बी वाला है ये, इसमें चीज़ें पूरी अंदर तक एब्जॉर्ब हो रही थी, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे। इफ यू लाइक माय सेशन तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। तो टेक केयर।